जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आइए जानते हैं वर्ष 2022 रक्षाबंधन के दिन। इस दिन भूल कर भी बहन अपने भाई को इस समय राखी बिल्कुल भी ना बांधे, तो जानेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन भद्रा काल का क्या समय होगा, तो जानेंगे भद्रा काल समय के बारे में, क्योंकि भद्रा काल समय के दौरान राखी का त्योहार और होली का दहन, ये दो चीज नहीं मनाई जाती है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन किस समय राखी बांधने का सही मुहूर्त होगा, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार यह बड़ा ही पावन त्योहार माना जाता है। इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार यह जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, मुख्यतः भाई बहन के स्नेह का त्योहार है। इस दिन बहन भाई के हाथों पर राखी बांधती है और माथे पर तिलक लगाती है। भाई प्रतिज्ञा करता है कि मैं यथाशक्ति अपनी बहन की रक्षा करूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चोट लगने से रक्त बहने लगा था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ कर उनके हाथों में बांध दी थी। इसी बंधन से ऋणी भगवान श्री कृष्ण ने दुशासन द्वारा चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। और रक्षा बंधन का त्योहार तब से प्रसिद्ध है जबकि देवताओं और दानवों में 12 वर्ष तक घोर संग्राम चला था। इस संग्राम में राक्षसों की जीत हुई और देव हार गए थे। दैत्य राज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया तथा अपने को भगवान घोषित कर दिया था। दैत्यों के अत्याचारों से देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति से विचार विमर्श किया और रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा का विधान संपन्न किया गया और गुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान किया। सहधर्मिनी इंद्राणी के साथ वृत्त संहारक इंद्र ने बृहस्पति की वाणी का अक्षरश पालन किया। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा सूत्र को बांध दिया। इसी सूत्र के बल पर इंद्र ने दानवों पर विजय की प्राप्ति की। तब से जो त्योहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जा रहा है। बहन अपने भाई की रक्षा के लिए अपने भाई के कलाई पर रक्षाबंधन के दिन उनके हाथों में राखी बांधती और फिर भाई अपने बहन को उनकी रक्षा करने का वचन देता है तथा उन्हें उपहार स्वरूप बहुत सारे भेंट भी देता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा जो कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार सुबह 10:40 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार सुबह 7:07। तो हमें पूर्णिमा तिथि का जो भी व्रत करने वाले हैं वो 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखेंगे। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे और जो भी स्नान दान का कार्य करने वाले हैं वो अगले दिन यानी कि 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। अब रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है, तो रक्षाबंधन जो होता है यह भद्रा काल के समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में रक्षाबंधन और होली का दहन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस बार जो भद्रा काल का समय होगा, भद्रा काल आरंभ समय जो कि 11 अगस्त को सुबह 10:40 और भद्रा काल की समाप्ति होगी रात्रि 8:52 पे 11 अगस्त को, तो इस दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर आप राखी बांधना चाहते हैं इस दिन तो 11 अगस्त 2022 को रात्रि 8:52 के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए रात्रि 8:52 के बाद ही आप रक्षाबंधन का त्योहार मना पाएंगे। अगर आप इस दिन नहीं मना पाते हैं तो अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं जो कि 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। अगर गुरुवार को मनाना चाहते हैं तो भद्रा काल का जो समय है उस समय को त्याग करके
आप 11 अगस्त को रात्रि 8:52 के बाद मना सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन जो कि 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। रक्षाबंधन त्योहार के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करें। गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन सभी को स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले तो अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए और इस दिन राखी बांधने के लिए चाहिए कि बहन को चाहिए कि एक अच्छे से स्वच्छ जगह ले, स्वच्छ जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक पीढ़ा लगाए या पाटा लगा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके भाई को बिठा करके उसके बाद फिर पूजन करना चाहिए भाई का। इस दिन राखी बांधने के लिए एक थाली ले, थाली में उरोली, कुमकुम, केसर, हल्दी, चावल, दीप, मिठाई, पेड़ा और जल का पात्र आदि लेनी चाहिए और सबसे पहले अपने भाई के ऊपर जल छिड़के, उसके बाद भाई को तिलक लगाए, कुमकुम लगाए, हल्दी लगाए, थोड़ा सा चावल लगाए, उसके बाद भाई के हाथों पर दाहिने हाथ में राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तीन त्वामी प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने भाई के हाथों पर राखी बांधनी चाहिए। राखी जब बांधते हैं तो कम से कम 5 गांठ उसमें लगानी चाहिए। उसके बाद दीप दिखा करके जल से आरती का निराजमन करके उसके बाद फिर भाई को मिठाई आदि खिलानी चाहिए और भाई को इस दिन चाहिए कि अपने बहन को जहाँ तक हो सके द्रव्य दक्षिणा उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान करे, वस्त्र आदि प्रदान करे तो लाभकारी होता है और अपने बहन को रक्षा करने का उन्हें वचन दे कि हे बहन, मैं तुम्हारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस प्रकार से भाई को भी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और यह रक्षाबंधन का पूरे हर्ष और उल्लास के साथ त्योहार मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन इस दिन व्रत रख करके ही इस दिन अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए और भाई बहन दोनों ही भोजन नहीं ग्रहण करें जब तक कि रक्षाबंधन का त्योहार ना मना ले, हाथों पर राखी ना बांध ले तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और इस दिन हर्ष उल्लास के साथ इस दिन के समय को बिताना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए, अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, सदा ही धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए और प्रभु नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे प्रभु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।